सबसे पहले सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, क्योंकि अभी है शाम का समय और शाम के समय मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी अपने स्कूल के मैदान में। और पीछे देखो क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना ज़्यादा खिलाड़ी ने ये किया दो तीन ही है। और फिलहाल अभी अपने घर पर हूँ और अपने गाँव में हूँ, जहाँ पर मैं अंबाजी जॉब करता था वहाँ पर, वहाँ से छोड़ के आ चुका हूँ। ऐसे ही आया, वैसे कोई कारण नहीं रहा, ठीक है। और ब्लॉग लेट होने का वजह यह है कि मेरा जो फ़ोन था वो ख़राब हो चुका था पूरी तरह से, तो अभी ठीक करवाया है, दो या तीन दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि कंटिन्यू वापस ब्लॉग स्टार्ट किया जाए, तो हफ्ते में एक दो वीडियो आती रहेगी, ठीक है। फिलहाल अभी खड़ा हूँ और शक्ल के साथ मिल रहा हूँ, सभी को सावन की शुभकामनाएँ। फिलहाल यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है और बादलों वाला है, बारिश वाला भी है। सूरज भगवान तो अभी बादलों में सिके हुए हैं और किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। तो फिलहाल हरा भरा है अपना मैदान और स्कूल का मैदान है। फिलहाल मेरा अंकल, वो देखो वो भैंस लेने के लिए आए थे, वो जा रही है, देखो आपको दिखा तो मैं जूम करके, ये देखो। और मेरे अंकल का घर ये है, ठीक है। और अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो ये मैदान आपने बार बार देखा होगा, और इस तरह की हरियाली है, और ये अपने माता जी का मंदिर है, ये देखो आप कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी घर है, बस्ती एक छोटी सी, वो सार पूजा का मंदिर है। और ये मौसम देखो पूरा बादलों वाला हो रखा है भाई, किसी भी टाइम बारिश आ सकती है। फिलहाल अपना स्कूल का जो मैदान है वो हरा भरा है, और अभी आधा ही हरा भरा हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश कम हुई है, लेकिन आसपास गाँव में बारिश अधिक हुई है। और लोगों ने खेत में बीज बोना भी स्टार्ट कर दिया है, और शायद कल हमारा भी प्लान है अपने खेत में जाने के लिए, तो अगर गया तो मैं आपको वहाँ का व्लॉग शूट करके ज़रूर बताऊँ। आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा छोटा ही बनने वाला है, ठीक है। और कल या परसों फिर वीडियो थोड़ी लंबी रखेंगे, आज तो ऐसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई थी, तो अभी इस तरह का माहौल है। भाई लोगों, बादलों वाला मानसून बना हुआ है और किसी भी टाइम बारिश आ सकती है, काले काले बादल आ रहे हैं। तो यहाँ से अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं, है ना, फिर मैं आपको बाद में।